मुंबई मंगलवार दिनांक 30 नवंबर को बांद्रा पश्चिम स्थित रंग शारदा सभागृह में संभाजी ब्रिगेड स्थापना दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर संभाजी ब्रिगेड अध्यक्ष एडवोकेट मनोज दादा आखरे, महासचिव सौरभ खेड़ेकर, प्रवक्ता गंगाधर बनवरे, प्रदेश कार्याध्यक्ष सुधीर देशमुख, डॉक्टर गजानन पारथी, कोषाध्यक्ष संतोष गाजरे, डॉक्टर शिवानंद भानुसे, अभिमन्यु पवार सहित तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि संभाजी ब्रिगेड की तीन प्रमुख मांगे हैं। पहला, जात निहाय जनगणना होनी चाहिए, साथ ही मराठा आरक्षण का मुद्दा जो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी मांग, शिवाजी स्मारक समुद्र के बजाय राजभवन में बनाना चाहिए, ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को चाहने वाले लोग आसानी से उनका दर्शन का लाभ ले सकें। वहीं तीसरी मांग है कि महाराष्ट्र सरकार OBC आरक्षण रद्द करे। सबको सजने जय जी जाऊ। संभाजी ब्रिगेड का आज 30 नवंबर को 5वां वर्धापन दिन है। इस वर्धापन के उपलक्ष्य में मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। संभाजी ब्रिगेड एक विचारधारा है और महापुरुषों की विचारधारा है, और इस विचारधारा पे संभाजी ब्रिगेड ने अपना पक्ष निर्माण किया है। इस भारतवंश में जो RSS जैसी संस्था है, जो इस देश को गुलाम बनाना चाहती है, उसके खिलाफ संभाजी ब्रिगेड का हमारा एल्गार है। और यह भी नहीं तो 30 साल से हम काम करते आ रहे हैं। आज के इस मेलावे में महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण है, मराठा OBCकरण है, उसके लिए हमने आंदोलन की दिशा दी है। मराठा OBC एकीकरण, ये जो हमारा टैगलाइन है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा और OBC एक है, उन्हें बहुजन समाज से दूर नहीं किया जा सकता, जो कि षड्यंत्र इस महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा और भारत की सरकार के द्वारा रचा जा रहा है, तो वो षड्यंत्र हम होने नहीं देंगे। इसलिए मराठा OBC एकीकरण एक लड़ा हम महाराष्ट्र में देने वाले हैं। और जात निहाय जनगणना, हर जाति की जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति की जनगणना होगी नहीं, तब तक आरक्षण सही मायने में लोगों को मिलेगा नहीं। समता जो अपन बोलते हैं कि ये देश अपने मूल्य तत्वों पे चला है, स्वातंत्र्य जो मिला है उस संवैधानिक मूल्य पे जो चलता है, तो वो समता है अभी आज के दौर में नहीं है। इसलिए समता प्रस्थापित करना है तो हमें जात न्याय जनगणना करना होगा, तभी हम समता प्रस्थापित कर सकते हैं। इसलिए जात न्याय जनगणना करना, OBC मराठा OBCकरण का आंदोलन लेना, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रतिमा, जो एक अरबी समुद्र में पुतला बैठाने वाले थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा राजभवन के जगह पर बिठानी चाहिए, क्योंकि राजभवन में हर कोई सर्वसामान्य व्यक्ति जा सकता है और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार का दर्शन कर सकता है। इसलिए हमारी पूर्व से ये भूमिका रही है कि राजभवन पे जमीन पे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य ऐसा पुतला बिठाया जाए, एक प्रतिमा बिठाई जाए। और इसलिए संभाजी ब्रिगेड शासन से ये कहता है कि अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुमसे ये होगा नहीं, तो हम जो छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रेम करने वाले, मानने वाले, संबंध भारत भर के देशवासी हैं और भारत के बाहर के भी, ये सब हम लोग पैसा इकट्ठा करके ये शिव स्मारक हम बनाएंगे। इसलिए हम संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देते हैं कि इसका जो भूमिका है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की, वो भूमिका जल्द से जल्द वो जाहिर की जाए, वरना संभाजी ब्रिगेड के माध्यम से हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन अगर शासन से होता नहीं तो हम उसकी पूर्तता करेंगे, ऐसा हमारा। आने वाले चुनाव में किस प्रकार का रोल होगा संभाजी ब्रिगेड का? संभाजी ब्रिगेड आने वाले चुनाव में स्थानीय स्वराज्य संस्था जो है,
जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है, सभी संस्थाओं में इलेक्शन को सामने जाने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन में भी संभाजी ब्रिगेड अपने उम्मीदवार देने वाली है, क्योंकि हमारा मानना है राज सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, और जो विचारधारा हमें समाज के तक ले जाना है तो वो राजकारण के माध्यम से हम ले जा सकते हैं। इसलिए हम हर वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं जहाँ संवैधानिक अधिकार लोगों को हम दे सकते हैं और उनको न्याय दिला सकते हैं। हर वो इलेक्शन में आने वाले संभाजीपेठचं आंदोलन आहे, त्यामुळे मराठा समाज आणि ओबीसी एकीकरणाचा लढा संभाजीपेठच्या माध्यमातून आम्ही देणार आहोत। मराठा समाजाचं ओबीसीकरण आणि जातनिहाय जनगणना व्हावी ही संभाजीपेठची मागणी, आग्रहाची मागणी आहे। जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होणार नाही तोपर्यंत समता या भारतामध्ये महाराष्ट्रात प्रस्थापित होणार नाही। म्हणून जातनिहाय जनगणना ही आग्रहाची मागणी, मराठा समाजाचं ओबीसीकरणाची मागणी, ओबीसी एकीकरणाची मागणी, तसंच छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अश्वारूढ पुतळा आहे जो अरबी समुद्रामध्ये बसवणार होते ते पुतळा अरबी समुद्रात त्यांना 10 वर्ष झाले बसवणं झाला नाही, 20 वर्ष झाले असतील, परंतु आमची भूमिका आहे पहिल्यापासूनची आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा जमिनीवर बसवला पाहिजे आणि त्यासाठी योग्य जागा म्हणजे राजभवनाची जागा आहे, जेणेकरून भारतभरातल्या सर्व सर्वसामान्य जनतेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचं इतिहासाचं दर्शन झालं होईल आणि त्यांच्या विचारातून त्यांना स्मरण त्यांचं स्फुरण होईल ही भूमिका संभाजी ब्रिगेडची आहे। त्यामुळं ते एक आंदोलन आम्ही उभारणार आहे। तसंच शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, कामगारांचे प्रश्न असतील, कष्टकऱ्यांचे प्रश्न असतील, या सर्व प्रश्नांसाठी आम्ही लढा देणार आहे आणि येणाऱ्या या काही दिवसामध्ये जे काय शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे, त्यांचे मोटर पंपासाठी वीज कापल्या जात आहे, तर त्यासाठी या महाराष्ट्रातले सर्व आमदार जबाबदार आहेत, त्यामुळे या आमदारांच्या घरावर संभाजीपेठच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन घेतलं जाणार आहे। त्यांनी या आंदोलनामध्ये आमच्यासोबत येऊन सरकारला जाब विचारला पाहिजे, कारण ते लोकप्रतिनिधी आहेत, ते जर आमच्यासोबत येत नसतील तर मग यांनी या सर्व जनतेला मूर्ख बनवण्याचं काम केलं आहे। आम्ही जनतेसमोर आणू आणि त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। कोरोनाच्या नियमांचं सर्व पालन करून संभाजी ब्रिगेडनं हे आंदोलन हे वर्धापन सोहळ्याचं नियोजन केलं होतं। जितके काही लोक येणार होते त्या सर्वांच्या तपासण्या ह्या त्या सर्व त्यांना सूचना दिलेल्या होत्या आणि हे सर्व लोक त्या कोरोनाच्या नियमांचं पालन करून या मेळाव्यासाठी आलेले आहेत। आज जरी इथं आम्ही त्या अनुषंगानंच इथलं हॉल, खालचं हॉल, वरचं हॉल म्हणजे गर्दी होऊ नये या अनुषंगानं लोकांना बसण्यासाठी संधी मिळावी म्हणून त्या पद्धतीचं नियोजन संभाजीपेठच्या माध्यमातून आम्ही केलं होतं आणि हे सर्व नियम आम्ही पाळलेले आहेत, कारण कोरोनाचे संसर्ग होत असताना जे काही त्रास लोकांना झाले हे आम्ही पाहिलेलं आहे आणि त्यावर उपायसुद्धा करण्यासाठी संभाजीपेठनं वेगवेगळे कामं केलेले आहेत, लोकांना मदतीसुद्धा त्या दरम्यान केलेल्या आहेत।